आज आपको तो पता ही है, हमारे बीच हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर है वो कौन है ना? मुझे उन्हें कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, राइट? यू ऑल नो पार्थ उपाध्याय सर। यस यस, थम्स अप दो मेरे को। यस, ऑसम, रियली गुड। तो जिन लोगों को पार्थ सर के बारे में नहीं पता, मैं आपको बता दूं, पार्थ सर ही इज अ 26 ईयर ओल्ड माउंटेनियर फ्रॉम मुंबई एंड ही इज अ प्रोफेशनल माउंटेनियर, राइट? ही कंप्लीटेड हिज एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग फ्रॉम इंडस यूनिवर्सिटी इन 2016, यानी कि पार्थ सर ने अपनी इंजीनियरिंग की हुई है इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, जस्ट लाइक हरदीप सर, राइट? पार्थ सर स्टार्टेड ट्रैकिंग एट द एज ऑफ 15 और तब से लेकर आज तक ही हैज कंप्लीटेड 800 ट्रैक्स अक्रॉस इंडिया। 800 ट्रैक्स, यानी कि अगर आप रोज एक ट्रैक करेंगे तो भी आपको ये करने में 2 साल से ज्यादा लगेंगे। Are you understanding what I'm saying? 800 treks he has completed across India, and that has made him one of the most prominent mountaineers in India. He reached at the very top of Mount Everest on 23rd of May 2019. यानी कि आज से लगभग 2 से 2.5 साल पहले उन्होंने Mount Everest, जो कि Earth का सबसे tallest mountain है, उसे summit किया successfully, and he is the youngest ever Mumbaiker to do so, right? For his next target, और ये target जो है ये काफी बड़ा है, right? I'm sure, but he can achieve it, है ना? उनका जो अगला target है, सिर्फ दुनिया में 39 लोगों ने किया है, 39 people have achieved this target. Unfortunately, इसमें किसी भी Indian का नाम नहीं है, and I'm sure with his dedication, Path sir can definitely achieve that. और ये आप कहोगे क्या feat है? जो 39 लोगों ने किया है, जो पाथ सर का अगला टारगेट है, इट इज टू सबमिट ऑल द 8000ers इन द वर्ल्ड। 8000er मतलब क्या हुआ? जिसका जो माउंटेन का हाइट 26,000 फीट या 8000 मीटर्स से ऊपर है। ऐसे दुनिया में 14 पहाड़ हैं, 14 माउंटेन्स हैं, है ना? कुछ कुछ आपने सुने होंगे, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट मानसलू, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट अन्नपूर्णा, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट K2, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट कंचनजंगा हमारे कंट्री में है, है ना? और ऐसे कई सारे पहाड़ हैं जो 8000 मीटर्स के ऊपर है, और उन सबको सबमिट करना अब पाथ सर का अगला टारगेट है। तो इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता मुझे सर का टाइम लेना चाहिए, है ना? तो पाथ सर, वी आर ऑनर्ड टू हैव यू विद अस, और प्लीज गो अहेड। पहले तो सर आप मुझे सर मत बोलिए, बहुत छोटा हूँ मैं उम्र में, 26 साल का हूँ अभी, अभी अभी कॉलेज से निकला हूं मैं। बट थैंक यू सो मच सर फॉर यू नो थिंकिंग ऑफ मी, ऑफ कमिंग हियर एंड स्पीकिंग टू ऑल द यंग माइंड्स। सो एज सर सेड, व्हाट डू आई डू? आई सिंपली क्लाइम माउंटेन्स, मुझे और कुछ नहीं आता है। एंड आज जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ वो माउंट एवरेस्ट कैसे क्लाइम किया वो कहानी कम, बट कैसे एक नॉर्मल बच्चा, एक बिलो एवरेज बच्चा ने एक सपना देखा और कैसे विद द पावर ऑफ हार्डवर्क एंड परसिस्टेंस उसने एक इम्पॉसिबल सपने को पूरा किया, ठीक है? तो हाउ डिड दिस जर्नी स्टार्ट? तो मेरे पास कुछ कुछ पिक्चर्स एंड वीडियोस है जो साथ साथ में आप लोगों के मैं शेयर करूंगा, विच विल गिव यू गाइज अ मच better experience. So let me share my screen, okay? Yes sir, it okay. is visible. Okay sir, आप मुझे सर मत बोलो please. मुझे सर okay. respect जो होती है वो एज से नहीं होती, वो काम से होती है ना? Thank you. So Mumbai to Mount Everest, how did this dream begin? Well, I remember this incident very clearly in my mind. It was back in 2010, जब मैं सिर्फ 15 साल का था, तब मैं एक छोटे से हाइक पे गया, कलसुबाई पीक करके, जो कि महाराष्ट्र का हाईएस्ट पीक है। तो नाउ बिफोर दिस आई वॉज अ वेरी बिलो एवरेज स्टूडेंट।
स्कूल में एग्जाम्स जैसे तैसे आई यूज टू पास. आई वॉज नॉट गुड इन स्पोर्ट्स, आई वॉज नॉट गुड इन स्टडीज, आई वॉज नॉट गुड इन एनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. मतलब ऐसा नहीं है कि यू नो कुछ स्पेशल था मेरे में, नहीं. आई वॉज जस्ट अ वेरी लॉस्ट काइंड ऑफ अ किड ट्राइंग टू फाइंड माई स्पेस इन दिस मैड मैड वर्ल्ड. In 2010, as an extreme introvert, I went with a group of 30 people to Mount Kalsubai. And for an introvert, it was a very big thing to go out with unknown people. But when I went into the mountains, for the first time in my life, I felt like I've come home. 15 साल के लाइफ में मुझे पहली बार लगा कि मैं घर आया हूँ. And I saw this sunrise, which you can see on your screen. From the top of Mount Kalsubai. This is the exact picture jo maine wahan se liya tha. Almost 11 years now. Oh, time flies. Huh? So, while I was seeing this sunrise, I just asked myself this question as a 15-year-old imagination, you know. Ki if the sunrise from this small hill looks so beautiful, how would the sunrise look from the very top of the world? And while I was going down from Kalsubai, just this one thought was going on in my mind. That Mount Everest, I want to climb this and I want to see the sunrise from the top of the world. And I think that's when the dream of climbing Everest was sown into my mind. And after I got back home, you know, tabhi 2010 mein internet hamare life mein naya naya aaya tha. So we had a big computer box back home, jiske upar I went online and searched about Everest, saw some videos, read some articles, and immersed myself into the knowledge of Everest. And I was completely fascinated by how people climb Everest, the kind of dangers, the kind of preparation you have to go through to prepare for Everest. And iske through mujhe ek cheez, ye research ke through mujhe ek cheez samajh mein aayi ki to do mountaineering, I have to do the basic mountaineering course. Now, let's use this example, okay? जिसके थ्रू आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा. Climbing Everest is like the ultimate goal, which is equivalent to writing a book, for example, for a writer. You know, for a writer, writing a book is his ultimate goal. But now to become a writer, you have to learn the ABCD, right? तो ये माउंटेनियरिंग का एबीसीडी हमको सिखाया जाता है बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स में, इस इंस्टीट्यूट में, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग करके एक इंस्टीट्यूट है जहां पे सच में पहाड़ चढ़ना सिखाया जाता है. ये है उत्तरकाशी में, उत्तराखंड में. सो इमिडिएटली आफ्टर माय बोर्ड एग्जाम्स जो कि 2010 में हुई थी, आई स्कोर्ड अ स्टैगरिंग 47% इन माय 10th. So, घर पे मैं किस मुंह से बोलता कि मुझे 28 दिन के लिए ये यू नो ये कोर्स करने जाने दो. तो आई केप माई माउथ शट. एंड आफ्टर माई बोर्ड एग्जाम्स, यू नो व्हाट ऑल एंट्रेंस एग्जाम्स आर देयर फॉर इंजीनियरिंग एंड वॉट एवर, यू नो. सो आई गॉट इमर्स्ड इनटू ऑल दैट. देन माई कॉलेज, देन 12वीं का बोर्ड एग्जाम जिसमें मैंने 48% स्कोर किया. फिर तभी भी कुछ बोलने की औकात नहीं थी मेरी घर पे कि जाने दो मुझे. बट एंड देन आई वेंट इनटू इंजीनियरिंग कॉलेज इन अहमदाबाद. सो देन 4 इयर्स वेंट इनटू इंजीनियरिंग. सो ये कोर्स करने का मुझे 6 साल चांस नहीं मिला. बट इन दो 6 इयर्स, दो आई वाज डूइंग इंजीनियरिंग इन द आउटसाइड वर्ल्ड, बट इनसाइड मी दिस ऑब्सेशन फॉर एवरेस्ट वॉज राइजिंग एवरी डे. टू एन एक्सटेंड में आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ. एवरेस्ट का हाइट है 8848 meters, ओके. सो ये 8848 आई यूज टू राइट ऑन माई वॉल्स इन माई ड्रॉवर्स. मतलब अगर मैं कबर्ड भी खोलू तो उसके अंदर मुझे 8848 दिखता. अगर मैं वॉशरूम में भी हूं तो मुझे सामने वॉल पे 8848 दिखता. यू नो आई वॉज जस्ट सो ऑब्सेस्ड विद एवरेस्ट. एंड फाइनली 2016 में आफ्टर माई इंजीनियरिंग गॉट ओवर, आई गॉट टू गो फॉर दिस कोर्स. Now, this is a 28-day course where they teach you the basic skills of rock climbing, ice climbing, snow climbing, how to read the weather, how to read the maps, how to conduct a rescue, how to conduct search, medical emergencies ke saath kaise you can handle, and basically the ABCD of mountaineering. And in this course,
So, मतलब this institute was like a heaven on earth for me because I could not imagine कि यार मतलब सच में dedicated spaces है जहाँ पे पहाड़ चढ़ना सिखाया जाता है हमारे जैसे बंदरों को. सब मेरे जैसे थे वहाँ पे, everybody who wanted to climb mountains. I was completely ecstatic, very blissed out, very happy in this. So in this course, I met one instructor who gave me the proper road to Everest. मतलब up till now it was just a dream, but a dream will remain dream until you have a proper plan of how you want to execute that dream. Because सपने तो बहुत देखते हैं, हर किसी के बहुत सपने होते हैं, लेकिन सपना सच तभी होगा when you have proper guidance and when you know the right steps to take. So the right steps were broken down for me in three parts. One was mountaineering experience, the second was physical fitness, and third was the money, the funds. So after I completed the basic course, I went for my advanced course. I have some pictures from this course. That's me climbing an artificial wall in the institute. That is me climbing an ice wall. I know it looks like rock, but it is ice. It's in a glacier. So you learn these things of climbing walls in the ice and everything. This was my group with whom I learned the skills of climbing mountains. So immediately after this course, I did my advanced course. And uske baad, the first part, which was the mountaineering experience. Now, Everest is not a peak, which you just, you know, sapna dekha, ABCD seekh liya aapne. Abhi ABCD seekhne ke baad, agar aapko lagta hai ki aap book likh sakte ho, to aap dhoke mein ho, right? अभी एबीसीडी के वर्ड्स कैसे फॉर्म करने हैं, सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करने हैं, दैट आई नीडेड टू लर्न, व्हिच कैन ओनली हैपन ऑन रियल लाइफ एक्सपेडिशंस. सो आई क्लाइम माउंटेन्स इन द इंडियन हिमालयाज, लाइक दिस वन वाज अ पीक कॉल्ड स्टोक कांगरी इन लद्दाख, दिस वन वाज फ्रेंडशिप पीक इन मनाली, दिस वन वाज कांग्यात्से 2 इन लद्दाख. सो बेसिकली दीज माउंटेन्स आर वेरी प्रोमिनेंट एंड वेरी challenging peaks in the Indian Himalayas, where I learned a lot of real-time experience. Because, you know, एक होता है कि आप institute में सीख रहे हो, but एक होता है उस skills को real life में apply करना. And when you go on these expeditions, you see what mountaineering is all about. You face bad weather, you face bad health. You know, unfortunately, we on some of these, not some, on one of these expeditions, we lost a team member, lost as in he lost his life. So when you see all these happening in front of you, it makes you into a very proper mountaineer. And for Everest, this exposure was very important for me. So this is a peak in Manali, in Deotibba. So basically, I climbed such, I think around 10 to 12 Himalayan peaks before I went to Everest. So in a span of 2 years, I climbed these peaks. Now I was back home in this very room where I'm sitting after climbing mountains. And I thought to myself, okay, it's been 7 years now, 2017 ki baat hai, that, you know, I've been just thinking about Everest. Now let's give myself a realistic target, a deadline, a date in mind. Ki mujhe इस तारीख को या इस साल में मुझे एवरेस्ट अटेम्प्ट करना है. नाउ द रिमेनिंग टू पार्ट्स वर द फिजिकल फिटनेस एंड मनी. सो आई थॉट, यू नो, प्रैक्टिकली टू वर्क ऑन दीज टू थिंग्स, इट वुड टेक मी एनी वे बिटवीन 2 years, लाइक 1.5 to 2 years के बीच में कहीं ना कहीं लगेगा. सो मैंने 2019 का टारगेट सेट किया मेरे माइंड में कि 2019 में आई वॉन्ट टू अटेम्प्ट एवरेस्ट. No excuses now. Just make it happen. Just. And keeping this in mind, now I had enough mountaineering experience. Okay. Now the remaining two pillars had to be worked on. There's a very famous saying in our field that to go to the top of the world, you need to build a top of the world mind and a top of the world body. You know, anything less than that won't work. So the best kind of training for mountaineering is to be in the mountains. If you want to be a swimmer, what do? You swim. If you want to be a cyclist, what do? You cycle.
So if you want to climb mountains, for me, the best option was to stay in the mountains. So keeping this in mind, I shifted my house, not my house, just me basically, not my family. I shifted around 3 hours away from Mumbai in a place called Karjat. Karjat mein rahe, Karjat ke paas ek chota sa gaon hai, Bhivpuri karke. Wahan pe I shifted my house and each and every second of my life for the next 2 years, I dedicated in building myself up in 4 levels. Those 4 levels were mentally, physically, emotionally, and spiritually. I repeat, physical, mental, emotion, and spiritual. And for any human being, no matter what the hell you want to do in life, chahe Everest karna hai ya engineer banna hai, jab tak ye 4 dimensions aapke andar stable nahi hai, balanced nahi hai, tab tak andar kuch na kuch imbalance, yeah, you know, you won't be at your peak in whatever you want to do in life. And especially when the task is of climbing Mount Everest, I cannot afford any imbalance within myself, because externally on the mountain, a lot of things were going to go wrong. Bad weather, bad health, everything happens up there. But within me, I need to be absolutely perfect. For the next 2 years, every second of my life, I invested in myself. Now I will take you guys through how a day in my life used to look like, which will give you an idea ki, you know, Everest ki tayari karne ke liye routine kaisa tha mera. I used to wake up somewhere between 3:30 and 4 in the morning every day. Now I know aap logo ke muh mein sabke mein expressions dekha, aur bahut hum to ye time pe sone jaate hain sir. I'm telling you, dekho, for 20 years of my life, I was somebody jisko 8 baje bhi 9 baje bhi laat maar ke utha dete mere mummy papa, theek hai, matlab 8 baje bhi laat padti thi mujhe ki uth bhai. But here I was able to wake up at 3:30 in the morning without any effort or laziness, and I'll tell you why. For the first time in my life, I was working on something that I truly cared about, that I truly loved. And this is the power of doing what you love. It does not feel like work anymore. It does not feel like effort. It feels like, yes, another morning I get to do what I love. And for me, it was like, yes, it's 3:30. Finally, sone ka time gaya, and I get to invest one more day in building myself up. And आप लोग यंग हो इसलिए मैं ये बातें कह रहा हूँ. यू नो, मैं बड़े बड़े कंपनीज में जाके बात करता हूँ जहां पे 50-60 ईयर ओल्ड्स बैठे होते, एकदम मतलब ना जिंदगी से हारे हुए. आई एम वेरी सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट आई कैन सी इट इन देम कि दे आर कंप्लीटली, यू नो, उसको उनको कितना भी आग लगाओ कुछ नहीं होने वाला है. बट आप लोगों को मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी जो आपका एज है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर माइंड ओपन फॉर, you know, for things to come your way and find what you are really made for. It may not happen right now, but until you do, until you find, do not, Steve Jobs ne ek speech mein kaha tha ki, until you find what you really want to do, do not settle for it. How do you know you found it? Well, like all matters of heart, you know when you'll find it. Okay, you will know when you find it. It's just a matter of time. And when you find it, don't give excuses. Just do it. Because life is a very small happening. Thoda time ke liye aaye hum log yahan pe. Invest your life in something that you truly care for. And your life would be a very blissful journey. Aap log mere excitement meri aankhon mein dekh sakte ho ki I mean what I'm saying. Okay? And I really wish this for you kids. So I used to wake up at around 3:30 in the morning. And I used to start my day with some pranayama, some breathing exercises, and some meditation. Because it is in mountaineering or in I guess in anywhere in life, it is 80% mind and 20% body, you know. The real Everest is here. So once you have climbed the Everest within, you can climb any Everest that you have in your life. So I used to just sit in silence in the morning and just observe my mind, because unfortunately, aajkal ke time pe, especially the young people who are, you know, growing up, I see a lot more people are mentally sick as compared to physically sick.
You can name it stress, you can call it anxiety, you can call it depression, you can call it anger, you can call it hatred, you can call it jealousy. All of this is sickness. It will slow you down, it will get you down. And it was very important for me to eliminate these things. And you can only eliminate these things if you see how your mind works. Okay. Agar aapko gaadi ko control karna hai, you don't have to learn to control the car. You have to learn how the car works. The fundamentals of car. Gear kaise kaam karta hai, brake kaise kaam karta hai. So, similarly, I used to just sit in silence and observe what is going on in my mind. Dekho itna khachar pachar kya chal raha hai mere mind mein. And when you observe your mind, you start seeing patterns ki ek thought generate kaise hota hai and kahan se kahan pahunch jata hai wo. So when you become a witness to your mind and emotions, a little distance is created between you and your mind. And then you won't be affected by whatever is happening in your mind. Yes, if you need to use your mind, you can use it. But if you don't need to use it, you can keep it side mein and you can just be. Hai na? So I think this is a very deep session. I na, matlab ye jo mind ki main baat kar raha hu, maybe someday we can have a separate session on this if required. So just in the morning, I used to sit in silence. And I at around 5:30 in the morning, I used to leave my house for a very long trek or a very long run. So morning was dedicated for building my stamina. You can see in this picture, I am trekking with a backpack of around 25 kg on my backpack, filled with rock and water jugs. And I used to walk for around 3-4 hours in the mountains every day, working on my legs and my lungs. Or on some days, go for a long run, as you can see in this picture. And whenever I used to go running or hiking, this used, you know, he used to be my workout buddy. And he used to run very fast. You know, I was like, how fit are you, man? I thought ki agar main mere is partner ko Everest pe leke jao, sabko piche chhod dega ye. But yeah, so this is how my morning used to look. And then in the evening, I used to go to a local gym where I used to work on my strength part. So stamina in the morning, strength in the evening. So around 2-2.5 hours in the evening. So daily 5-6 hours of training I used to put for my body and my mind. I'm sure you guys might not know this, but it costs somewhere around 30-35 lakh rupees to climb Mount Everest. I repeat, 30-35 lakh rupees lagte hain. And for anybody, that is a very huge amount. And I was just, you know, tabhi jab maine taiyari karni shuru ki thi, main 22 saal ka tha, 22 year old, having rejected all the job offers that I had in engineering. I'm not motivating you to, you know, leave your college or school and reject the offers. No, when you find something, then you can, you know, go for it. But by then I had found that I want to climb mountains in my life, and whatever came my way was just another distraction for me. So I rejected the job offers, but that meant I had no money. I was doing small things here and there, leading treks and here and there, you know, but it used to be only enough to, you know, fulfill my survival. But to spend 30-35 lakh rupees was now the biggest Everest which was in front of me. Now I could not go to my parents because they had invested lakhs of rupees in my engineering, and I had really pissed them off when I rejected the job offers. One of them was from Air India, sarkari naukri. India mein sarkari naukri ka bahut value hua karta tha kuch time pehle, abhi bhi kuch logo ke liye hai, but thoda wo shift ho raha hai abhi. I'm very happy. So ghar pe to main kuch mangne ki meri kya bolte hai himmat nahi thi. I was like, okay, this is my dream. This is my battle. Now I had seen that a lot of mountaineers who I look up to, they used to wear brand logos and, you know, company ke banners upar leke jaate the pahadon pe, jaise Red Bull ka logo laga ke climb kar rahe. So I thought ki aisa, you know, banner carry karke, you know, they will pay you. So I started approaching these companies. I had no guidance in terms of how to approach brands, no background in finance whatsoever, no friends around me who could guide me. It was just me, a 22-year-old stupid kid, you know, just going into these big corporate offices. And
यू नो द सेटअप वॉज सच दैट आई यूज टू गेट सो नर्वस सो इंटिमिडेटेड कि मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था उनके सामने. तो दे यूज टू बी लाइक इसको एवरेस्ट चढ़ना है तो बेचारा बोल भी नहीं पा रहा है क्या करेगा ये. तो आई अंडरस्टैंड दैट यू नो आई अंडरस्टैंड दैट. सो आई wherever I went, I used to always be rejected. And I spoke to around 150 companies personally. 150 companies, कोई छोटा काम मतलब छोटा नंबर नहीं है दो साल के स्पैन में, ठीक है. And parallelly, I was also trying in state government, in the central government, but कहीं से कुछ हो नहीं रहा था. एंड जस्ट एक इंसिडेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ जिससे आपको थोड़ा आइडिया आएगा कि ये स्ट्रगल किस लेवल का था एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ माइंडसेट यू नो यू गेन व्हेन यू आर फेसिंग रिजेक्शंस एंड ऑब्स्टेकल्स एट एवरी स्टेप इन योर लाइफ एंड स्टिल हाउ यू कैन कीप गोइंग ऑन. बिकॉज सो एज आई सेड आई यूज टू स्टे इन करजत एंड फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू गेट सपोर्ट फ्रॉम देम आई यूज टू ट्रेवल टू मंत्रालय एवरी डे विच वॉज इन द CST एरिया ओके चर्चगेट एरिया. सो फ्रॉम करजत टू CST इन सेंट्रल रेलवे सुबह के टाइम में भीड़ में जाना एंड माइंड यू आई यूज्ड टू वेक अप एट 3:30 इन द मॉर्निंग डू माय ट्रेनिंग कम टू माय हाउस क्लीन माय हाउस मेक फूड फॉर माइसेल्फ एंड देन लीव फॉर दीज मीटिंग्स एंड वहां पे जाओ एप्लीकेशन दो एंड देन कहते थे कि ये पेपर नहीं लाए आप ये ऑफिसर आज नहीं आए कल आना. सरकारी काम कैसा होता है यू नो बट आई डिड नॉट माइंड कि ओके ये करने के बाद अगर मुझे सपोर्ट मिल रहा है. फॉर 6 months practically every day I went to Mantralay. Okay. After 6 months of going, one fine day I went and they said ki they lost my application. Ghuma diya unhone. Like, literally they have no idea where my papers are. I got very furious and fortunately that time the sports minister of our state was there in his office. So I just barged in. Uske bahar jo सिक्योरिटी वाला था वो भी मुझे पहचान गया था बिकॉज 6 महीने से मैं रोज आ रहा हूँ. तो उसने मैंने उसने बोला जाओ सर यू नो सर खाली बैठे जाओ बात कर ही लो आज. तो गया अंदर में मैंने बोला सर मेरा नाम पार्थ है. उसने बोला हाँ हाँ आपका एप्लीकेशन मेरे पास आया था. मैंने बोला सर कैन आई नो आप क्यों मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो या आप एटलीस्ट मुझे ना बोल दो कि नहीं होगा तो मैं मेरा यू ना यहाँ पे आना जाना छोड़ दूँ. ओ ही सैट मी डाउन एंड ही टोल्ड मी पार्थ we don't consider mountaineering as a sport and we don't consider you mountaineers as athletes so stop wasting my time. These were the words of sports minister of Maharashtra. 2019 mein jo tha usko aap google karke dekh sakte ho main naam nahi lunga but now you can imagine what sort of mindset people have towards mountaineering as a sport. Now yahan se mantralay se nikalne ke baad I was very personally hurt you know hurt andar se. I went to Marine Drive, which is very close to Mantralay. It was sunset time and I could not stop crying. That was the rock bottom I had hit within myself. The only hope I had remaining was now state government. And वहां से भी कुछ नहीं आ रहा था. I was thinking that here I am doing what I have to do, but why are people not supporting me? I started doubting myself. Are these people seeing something in me which I'm not able to see? कोई कमी उनको मुझ में दिख रही है क्या? But ऐसे time पे 95% लोग अपना सपना give up कर देंगे. कुछ नहीं हो रहा है तो छोड़ो कोई बात नहीं. लेकिन वो 5% लोग जो साला you know कर जाते हैं ना वो ये एक mindset के साथ कर जाते हैं. और वो मैं चाहता हूँ कि आप उस जो मैं अभी एक sentence बोलने वाला हूँ उस को गांठ बांध लो अपने मन में, ठीक है. द आउटकम द रिजल्ट ऑफ वॉट एवर यू आर डूइंग इज नेवर 100% इन योर कंट्रोल बट द वर्क दैट यू हैव टू डू फॉर इट दैट इज 100% इन योर कंट्रोल. वो कंट्रोल किसी का बाप छीन नहीं सकता आपसे, ठीक है. समझ रहे हो आप? जो काम आपको करना है वो करते रहो. गीता में भी कहा है कर्म करे जा फल की चिंता मत कर वो होगा. अपना काम करोगे तो फल कैसे नहीं आएगा, है ना. तो उस दिन जब मैं रो रहा था मैंने बहुत गालियां दी मन में. मैंने बोला कोई बात नहीं पार्थ आज गाली दे कल 3:30 बजे फिर उठना है तुझे फिर लग जाना है बिकॉज ये सपना मेरा है किसी ने मुझ पर ठोपा नहीं है ये मेरा बच्चा है, ठीक है. तो नेक्स्ट डे फिर मैंने उठा एंड फिर मैंने क्राउड फंडिंग स्टार्ट किया लोगों से कॉन्ट्रीब्यूशन मांगना एंड टू माई अटर सरप्राइज पीपल कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉर माई एक्सपीडिशन ऑन यू नो
These are the people who've been following on my social media, my friends, my family, my relatives, because they've been seeing with what honesty I've been putting my efforts, you know, towards my dream. To kisi ne 500 rupaye diye, to kisi ne 5 lakh rupaye diye, you know, and this gave me a lot of fire to, you know, now it was not just about my dream. जिसने अगर मुझे 5 रुपया भी दिया है वो मेरे सपने में मेरे साथ है, अभी वो मेरे जर्नी में मेरे साथ है, एंड आई हैव टू डू जस्टिस टू उनका 5 रुपए का इन्वेस्टमेंट. ओके, एंड चाहे वो 5 रुपए हो या 5 लाख रुपए, वो सपने जो उनके होप्स है मेरे लिए, वो मेरी आग बन गई. एंड थिंग्स हैपेंड, माय कैंपेन वेंट वायरल इन इंडिया, एंड अराउंड 5,000 पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स माय एक्सपेडिशन. आई वाज एबल टू रेज अराउंड 50% ऑफ द अमाउंट for the expedition. Then मेरे पापा ने देखा कि अरे इसको तो पूरा वर्ल्ड पैसा दे रहा है, अब तो मुझे भी थोड़ा सा देना पड़ेगा. तो from my and my father's saving, I was able to add another, we were able to add another 30% of the amount. बाकी का 20% we had to take a loan, which I'm still repaying right now. So this is how the funds came into place. But yes, now I was all set to climb Mount Everest, and I left on 8th April 2019. This is me with the Indian flag, you know, जो मैं साथ में कैरी किया था. मुंबई एयरपोर्ट का पिक्चर है ये, and I left. That's me. Okay, so Everest can be climbed from two sides. Okay, one is from Nepal, one is from China, from Tibet. 95% people who attempt Everest try it from the Nepalese side, because it is a little, you know, comparatively easier, not easy, but comparatively easier. But 5% people like me, जो थोड़े से यहाँ से वैसे पागल होते हैं, वो थोड़ा difficult option choose करते हैं. So मैंने choose किया कि मैं Chinese side से climb करूँगा, because I felt that with the years of experience I have and training I've done, why not do it in the most difficult way possible? And there were only, I think, 2 or 3 Indians who had climbed this route before, and none of them were of my age, you know, 35, 40 years ke the sab. So I was like, okay, let's try. So this is a picture of me on my way to the Everest base camp. The base camp is the place where the expedition officially starts, at 17,000 feet, 17,000 feet pe. Summit is at 29,000 feet. So 17,000 feet से base camp 29,000 feet तक climb, कितना 11,000 feet हुआ. मेरा maths बहुत खराब है, गिनती लगा लो आप, ठीक है. So this is a very dear picture for me, because this is when I saw Everest for the first time in my life. आप सामने जो पहाड़ देख रहे हो वो Everest है, and it happened to be my birthday. 15 April की तारीख थी ये. So I could not have asked for a better birthday gift to see the mountain that had been a part of my life for the last 9 years. It was in front of me, and I was so happy to see it. And I at the same time, ये एक thought मेरे mind में आया ये पहाड़ को पहली दफा देख के, कि यार मैंने सोचा था उससे थोड़ा ज्यादा ऊंचा लग रहा है यार ये. सो ऑन दैट डे वी रीच द एवरेस्ट बेस कैंप एट 17,000 फीट. दिस इज द बेस कैंप सेटअप, आर बेस कैंप नाउ. ओके, आई वांट यू टू लुक एट दिस पिक्चर, एंड आई वांट यू टू लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर नाउ. ओके, दिस पिक्चर एंड दिस पिक्चर, शॉट ओनली इन अ स्पैन ऑफ 30 मिनट्स. 30 मिनट में मौसम खराब हो गया, एंड यहां से ये हो गया. तो आप इमेजिन कर सकते हो वहां पे मौसम खराब होने के बाद कैसी सिचुएशन आ जाती है. एंड एस्पेशली द नॉर्थ फेस इज मच मोर स्टीपर, मच मोर वेदर वाइज बैड, मच मोर कोल्डर, एंड मच मोर रिस्कियर ऑफ कोर्स. सो दिस इज द नॉर्थ फेस ऑफ माउंट एवरेस्ट दैट वी वर गोइंग टू बी क्लाइंबिंग. ये बेस कैंप से व्यू है पूरा, देखो तो कैसा, यू नो, पूरा खड़ा पहाड़ है एकदम, ऐसा पूरा सब करके ऊपर जाता है वो. So that's how it was, and we reached here, and we spent around a week acclimatizing lower oxygen level se body ko used to karne ke liye. We spent a week at the base camp, and after a week we had a puja ceremony at the base camp.
वहां के जो लोकल लोग होते हैं द शेरपा कम्युनिटी हु आर क्लाइंबिंग गाइड्स द शेरपा पीपल दे बिलीव दैट विदाउट आस्किंग फॉर परमिशंस फ्रॉम द माउंटेन गॉड्स यू शुड नॉट स्टार्ट क्लाइंबिंग सो दिस पूजा इन दिस पूजा वी आर बेसिकली आस्किंग फॉर अ सेफ पैसेज अप एंड डाउन द माउंटेन वी नेवर आस्क फॉर सक्सेस बिकॉज समिटिंग इज नॉट सक्सेस सेफ्टी इज सक्सेस ओके मतलब सबमिट करके आपकी उंगलियां कट गए या आप यू नो इफ यू लूज योर लाइफ व्हाट इज द पॉइंट यू नो द गॉड्स जस्ट कीप अस सेफ ओके दैट्स इट एंड आप यहाँ पे जो देख रहे हो नीचे इक्विपमेंट्स प्लेस है थोड़ा ध्यान से देखो आप हेलमेट्स है बूट्स है वी आर कीपिंग इट हियर टू बी ब्लेस्ड बिकॉज दीज इक्विपमेंट्स आर द थिंग्स विच विल कीप अस अलाइव अप देयर Here is a very small video of the end part of the puja ceremony, which I will share with you guys. Okay, I'll play the video. This puja ceremony marks the official beginning of the expedition. Now the mountain was open to climb. This is the route which we use to climb Everest. Now the route is not as simplistic as you are thinking. आप लोगों के माइंड में क्या चल रहा है मैं आपको बोलता हूँ. आपको सोच रहे हो कि बेस कैंप से निकल के एडवांस बेस कैंप जाएंगे, फिर नॉर्थ कॉल, फिर कैंप टू, फिर कैंप थ्री, फिर समिट. नहीं, ऐसा नहीं होता है. Why? Because I'll tell you. See, if by some magic I am able to take any human being from the sea level to the very top of the world, any human being would be unconscious within a minute and dead within 3 to 5 minutes. Why? Because our bodies are not acclimatized to the high altitude. High altitude pe oxygen bahut kam hota hai. As you go high, oxygen gets really, really low. To abhi body ko उस लो ऑक्सीजन से यूज टू करने के लिए हम एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं जिसको कहते हैं रोटेशंस. नाउ इन दीज रोटेशंस वी स्टार्ट फ्रॉम बेस कैंप गो टू द एडवांस बेस कैंप रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज देन कम बैक टू बेस कैंप रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज एडवांस बेस कैंप स्पेंड अ नाइट नॉर्थ कॉल विच इज कैंप वन स्पेंड अ नाइट देन कम ऑल द वे बैक टू बेस कैंप रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज Go to the advanced base camp, spend a night, camp one, spend a night, camp two, spend a night. Then where do we go again? All the way back to the base camp. So why do we do this? To introduce our body slowly, slowly to the higher altitude so that our body gets enough time to acclimatize. Acclimatization is the key to climbing high altitude mountains. So ye upar niche karte karte hame around 20 se 25 din lag gaye. And I'm telling you, when we were at camp two, for our rotation and when we had to come down it was such a mentally difficult task because you imagine from camp to it's just 1.5 days away okay the top of the world but you cannot go because if you go you will die because your body is not ready and that's when you know I thought it was so close yaar itna pass pe dikh raha tha summit but we had to go all the way back and that's when I learned a very important life lesson that sometimes in life if you have to take a step back It does not mean that you are not progressing. Taking a step back sometimes is a very smart thing to do. So, hamesha aage 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 bhagna ye progress nahi hota. Where required, ruk jao, ek step piche lo and then fir aage jana zindagi mein. So, camp 2 se hum wapas aaye niche, hamara body ab tayar tha. Ek step piche liya humne ek lambe chhlang ke liye abhi. Abhi wo chhlang marne se pehle summit tak we had to wait for a good weather window because above camp 2 above 8000 meters basically throughout the year a band of wind flows which is called as jet stream winds are a band of wind which you know which blows at the speed of around 250 to 300 kilometers per hour कैन यू इमेजिन 250 से 300 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं बहती है अगर इंसान को पत्ते की तरफ फेंक सकता है वो ठीक है
तो जस्ट मानसून के पहले विच इज मे सेकेंड थर्ड फोर्थ वीक में कभी दिस विंड गोज अप अबव द माउंटेन दैट्स व्हेन वी ट्राई टू गो अप सो वी वर वेटिंग फॉर दिस वेदर विंडो नाउ वी गॉट अ फोरकास्ट दैट ऑन 23rd मे द वेदर विल द वेदर शुड द विंड्स शुड गो अप सो 23rd मे शुड बी अ गुड समिट डेट सो कीपिंग 23rd मे आफरीन मैम आपके बाजू में मैम खड़े हैं बैठ जाइए प्लीज आपको खड़े खड़े देख के मुझे कुछ हो रहा है कुर्सी लेके बैठ जाइए आप आपके पैर दुख जाएंगे मैम Actually, some of the thing is that I insisted her a lot. That's my mom right there, and she was just mesmerized by your talk. That is why you know she. I asked her to sit. She's not sitting. बैठ जाइए आंटी आप प्लीज खड़े मत रहिए मुझे कुछ हो रहा है आपको खड़े देखिए. Please continue. Okay, so keeping 23rd May as our summit date in mind, we left the base camp on 18th of May. So this is the picture of the advanced base camp. At 21,500 feet, it's a beautiful, beautiful camp as you can see. मतलब बहुत खूबसूरत पहाड़ है ना यार एवरेस्ट मतलब मजा आ गया था वहाँ दिल खुश हो जाता था. Every day was such a क्या बोलते हैं यार उसको blessing for me. This is a picture between advanced base camp and camp one. Camp one is on the top of this wall. It is a 1,000 feet high wall made up of full blue ice. Now a blue ice is the kind of ice that you get, you know, जो आपके फ्रीजर में आइस होता है ना हार्ड आइस वैसा आइस का ये वॉल था. नाउ दैट आइस यू नो हाउ हार्ड एंड हाउ स्लिपरी इट इज सो इमेजिन क्लाइंबिंग ऑन सच अ वॉल बट ऑफकोर्स वी हैव द राइट इक्विपमेंट्स टू क्लाइंब दैट बट इट्स स्टिल वेरी डिफिकल्ट एंड एस्पेशली वैन यू हैव अ बैक पैक ऑफ 25-30 kg ऑन योर शोल्डर एंड एट दिस ऑल्टीट्यूड ऑलरेडी वैन यू आर हाफ वे the oxygen levels are less than 50% of what you are breathing here at sea level compared to here 50% oxygen already yahan pe kam hai theek hai to chalna bahut mushkil hota hai ye us wall ka picture hai dekh sakte ho kaisa steep wall hai ye and it you know at this point onwards it was like after every 3 to 5 steps I have to stop and take 10 breaths समझ लो तीन स्टेप के बाद 10 सांस इतना स्लो प्रोग्रेस था ये बट ये एक दूसरा फंडा मेरे लाइफ में मैंने सेट किया है कि यू नो अगर मैं ये वॉल को ऊपर ऐसे देखता था ना भाई उसमें लगा अरे बाप रे इतना ऊंचा इतना स्लो स्पीड में कैसे क्लाइंब करूंगा मैं एंड ऐसा ही होता है देखो जब भी मैं यू नो मैं एवरेस्ट की बात कर रहा हूँ या तो मैं सिर्फ एवरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ किसी भी गोल की बात कर रहा हूं मैं ठीक है अभी आपने कोई बड़ा गोल सेट किया आपने लाइफ में गोल बड़ा ही देखना ऐसा गोल देखना लाइफ में जिससे जिसको देख के फट जाए आपकी ठीक है वरना वो गोल वर्थ नहीं है ठीक है फटनी चाहिए ठीक है बट आपको आपकी आंखें उस गोल की तरफ नहीं होनी चाहिए यस यू शुड नो वेर यू हैव टू रीच बट योर आईज शुड बी ऑन योर नेक्स्ट स्टेप व्हेन आई मीन नेक्स्ट स्टेप What I mean by that is, जो भी आज काम करना है आपको उस गोल के लिए वो आपका आज का गोल होना चाहिए अगर आप सोचोगे कि यार मुझे बिलियनेयर बनना है लेकिन मेरे पास आज यू नो बड़ा पाव खाने के भी पैसे नहीं है तो आप यू नो वो थिंकिंग के ट्रैप में फंस जाओगे यू नो तो वो बिलियन का नहीं देखना है ड्रीम आज जो काम करना है उस पर ध्यान देना इट इज ऑल अबाउट टेकिंग वन स्टेप एट अ टाइम वन राइट स्टेप एट अ टाइम सो मुंडी नीचे रख के one perfect step after another perfect step you know because if you have your eyes on your goal and if you don't have your eyes on your feet you might fall you might lose your goal okay so agar koi exam ki taiyari kar rahe ho to exam ke bare mein nahi sochna hai ki yaar you know kaise aayenge marks ye wo nahi aapko aaj kya karna hai exam ke liye taiyari karni hai uske liye you have to do not hard work but smart work for it you know You have to do your today right. Okay. So, एक स्टेप के बाद एक स्टेप लेते हुए मैं आगे पहुंच गया. After climbing this wall, we reach camp one. This is the camp one. Okay. अभी मेरा जहां पे कर्सर है ना जहां पे मेरा माउस है वहां पे देखो आप This is the line of people going up to camp two. Okay. तो ये आज कल का रूट था
जहां हमें कल जाना है, जहां पे मेरा माउस अभी है वहां पे कैंप टू है, यहाँ पे कैंप थ्री है, एंड देन समिट नाइट पे ये रिज पकड़ के ये लाइन लेके हम ऊपर चढ़ते हैं, ये टॉप ऑफ द वर्ल्ड. सो दिस इज द कैंप वन एट 23,000 फीट. दिस इज सो वी स्टार्ट यूजिंग सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन फ्रॉम कैंप वन बिकॉज द एयर गेट्स रियली थिन फ्रॉम अप हियर, सो वी नीड एडिशनल ऑक्सीजन. 5,000 फीट पे यू कैन सी व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस दिस इज, एंड इफ यू लुक क्लोजली ऑन द स्क्रीन यू कैन सी वेयर माई माउस इज, वहां पे कैंप वन है ये. ठीक है, यहाँ से हम लोग आए थे ऊपर. इट लुक्स वेरी क्लोज बट इट टुक अस 8 hours फ्रॉम देयर टू हियर, इट्स वेरी फार. दिस इज ऑल्सो अ पिक्चर ऑफ कैंप टू. नेक्स्ट डे दिस इज बिटवीन कैंप टू एंड कैंप थ्री. नाउ इन दिस पिक्चर यू कैन सी कैंप वन वेरी क्लियरली, यहाँ पे नीचे येलो टेंट्स. Between camp 2 and camp 3, we enter into this area that we call as death zone. Death zone. Why? Because maximum deaths on Everest happens above 8,000 meters. Matlab 26,000 feet ke upar. Above this altitude, the body is not getting enough oxygen to sustain basic bodily functions. Like your brain is not getting enough oxygen. Your organs are not getting enough oxygen, like your lungs, your heart, your kidney, your livers, it's all slowly shutting down. Okay, and the rule is that once you cross the 8,000 meter mark, within 36 hours you have to summit and come back down. That's the safety margin. So now we had very less time to go to the top and come back. Okay, so this is camp 3, the highest camp in the whole world at 27,000 feet. जबरदस्ती का कैंप फिट किया है जैसा ना, मतलब इट्स नॉट अ कैंप साइट, इट्स जस्ट फिट किया है वहां पे. बिकॉज़ वी डोंट स्लीप हियर, वी जस्ट स्पेंड अ फ्यू आवर्स हियर. वी रीच हियर इन द आफ्टरनून एंड वी लीव फॉर द समिट इन द नाइट. ओके, सो हियर इज अ ब्यूटिफुल सनसेट दैट आई सॉ फ्रॉम कैंप 3. ये पिक्चर में 1% भी आपको अंदाजा नहीं आ रहा कितना खूबसूरत था वो सच में, बट दैट्स द नेचर ऑफ पिक्चर्स एंड रियलिटी, यू नो. सो दैट्स मी इन माई टेंट, दैट्स हाउ वी रेस्ट. ऑक्सीजन मास्क पहन के हम इसमें रेस्ट करते हैं. ठीक है, ओके. यहाँ पे मेरे पास एक छोटी सी स्टोरी है, जस्ट आपको एक आइडिया आए कि इस हाई ऑल्टीट्यूड पे लाइफ कितना मुश्किल होता है. आई वॉन्टेड टू रिमूव माई शूज एंड चेंज माई सॉक्स इन टू अ वार्मर सॉक्स विच आई हैड टू वेयर इन द नाइट. ओके, तो ये जो माउंटेनियरिंग के बूट्स होते हैं वो मुझे सी लेवल पे निकालने में अराउंड 1 मिनट लगेगा. ठीक है, वहां पे मुझे 15 से 20 मिनट लगे. फर्स्ट लेयर उसका जिप होता है, ठीक है, एक बड़ा जिप. मैं जिप खोलू, जिप खुलने के बाद मेरी सांसें फूल रही है. लेस खुलने के बाद फिर मेरी सांसें फूल रही है. यू नो, इट वाज लाइक सच स्मॉल टास्क्स अप देयर रिक्वायर्स सो मच एफर्ट. इट्स दैट डिफिकल्ट अप देयर. यू कैन इमेजिन हाउ क्लाइंबिंग वुड बी अप देयर. ओके, छोटा सा वीडियो है जो मैंने, ये मेरा स्ट्रगल था उसको रिकॉर्ड किया है मैंने अभी. आई होप ये वीडियो प्ले हो और आपको सुनाई दे. It's been 5 minutes since I'm unzipping my shoe, and surprisingly these menial tasks up here require so much oxygen that you start panting here at this altitude. I hope the video was okay. मतलब आप देख रहे हो ना कैसी बैंड बसी थी वहां पे. सो दैट्स ऑन द फार लेफ्ट ऑफ योर स्क्रीन. दैट वाज यू नो द शेरपा गाइड्स हु वर विद अस. उसके राइट में जो है निंगमा तेंजी, ही बिकेम द फर्स्ट एवर पर्सन टू क्लाइम K2 इन विंटर. इट्स वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग माउंटेनियरिंग फीट्स व्हिच हैपेंड दिस जनवरी. सो नाउ ही इज लाइक अ बिग सेलिब्रिटी इन द फील्ड ऑफ माउंटेनियरिंग.
आई वॉज वेरी लकी टू बी क्लाइंबिंग विथ हिम. उसके बाजू में मैं हूँ, आप मुझे पता पहचान नहीं पाओगे, मैं ही हूँ वो, आई प्रोमिस यू मैं ही हूँ. देन उसके बाजू में एक और क्लाइंबर है इंडिया से मेरे साथ था, वो है ठीक है. सो मैं रात को 8 बजे समिट पुश के लिए निकला, एंड यू नो व्हाइल आई वॉज गेटिंग रेडी आई जस्ट हैड दिस वन थॉट इन माई माइंड, ओके, दैट 9 years ऑफ ड्रीमिंग, इतना तैयारी फॉर दिस वन नाइट विच इज अबाउट टू कम. I was like, Parth, this is what you've been waiting for, go for it. And pata nahi kyun, jab main nikla camp se, as I told you, yahan tak it was like 3 to 5 steps at a time, right? But when I left this camp, I should have gotten slower considering I'm getting higher. But ek ajeeb si burst of energy aayi andar se. And I was able to overtake everybody 50, 55 steps at a time. Aram se I was able to take. Matlab bhaag raha tha na. Wahan ke jo pahadi log, sherpa log bhi mere sath catch up nahi kar pa rahe the. So, 9 saal ki bhadas nikali maine upar wahan pe jaake. And this is very important, you know, ki you, so, you know, you keep your energies with you when it's not your time. Har jagah jaake मुंहफट नहीं बनना, समझते हो, मुंहफट मतलब हर जगह जाके शो ऑफ नहीं करना है, ताड़ नहीं मारना है, एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है. जब राइट टाइम हो जिंदगी में तब जाके वो एनर्जी निकालो. एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मतलब अभी आई डोंट नो कितना रिलेट कर पाओगे आप लोग इस यंग एज में, लेकिन ये बात याद रखना मेरी कि जब आपका टाइम आएगा तभी एनर्जी निकालो अपनी, बाकी मुंह नीचे रख के काम करो अपना, ठीक है. एंड ये टाइम मेरा था वो एनर्जी निकालने की, एंड मैं भागा आगे, ठीक है. एंड मैंने मेरे गाइड को बोला शेरपा को कि लेट मी वॉक एट माय ओन पेस एंड आई विल वेट फॉर यू एट सर्टेन चेक पॉइंट्स, ओके, वी विल गेट टुगेदर एंड वी विल सी हाउ वी आर डूइंग एंड देन वी विल गो अहेड बिकॉज इट्स अ डेंजरस एरिया टू क्लाइंब इन, सो वी नीडेड टू बी इन अ वे टुगेदर. सो ये एक सेक्शन पे मैं पहुंचा जहां पे मैं मेरे शेरपा के लिए वेट कर रहा हूँ. And it was night time, you know, it was the stars were above me, I could see a billion stars above me, and just mere peeche se horizon the moon rise ho raha tha. It was beautiful, it was absolutely beautiful. I mean, I cannot, you know, English language ki ye power nahi hai ki us view ko articulate kar paaye, ya kisi bhi language ki for that matter, ya fir mujhe nahi aata, jo bhi hai. But main wahan baitha hu, मेरा शेरपा आता है मेरे पास, आई थिंक आफ्टर 10-12 मिनट्स, एंड मेरे पास आके एकदम शॉक होके मुझे नेपाली लैंग्वेज में एकदम गंदी गाली देता है. मैं एकदम शॉक हो जाता हूँ. है, उसने बोला, पार्थ अंधा है क्या तू, कहाँ बैठा है, पीछे मुड़ के देख. अब जब आपको कोई पीछे मुड़ के देख ऐसा कहता है, एक सेकेंड के लिए धड़कने रुक सी जाती है ना. एंड स्पेशली सोच लो वहां पे ऊपर अंधेरे में, मतलब भाई क्या हो गया. तो मैंने पीछे मुड़ के देखा एंड मैं एक इंसान के डेड बॉडी को टेक कर बैठा था, ठीक है. सो पीपल डाई ऑन एवरेस्ट, अराउंड 5,000 पीपल हैव सो फार क्लाइम्ब एवरेस्ट, बट अराउंड 500 पीपल हैव डाइड व्हाइल ट्राइंग to climb Everest, okay. And I would say 99% of those bodies of the people who've died, unko niche laya nahi ja sakta. Helicopter is height pe fly nahi karta, and is height pe if you try to bring the body back, you might lose your life as well. Because bahut mushkil hota hai is altitude pe. Jahan pe shoelace kholna mushkil hai, wahan pe kisi dead weight ko niche lana bahut mushkil hota hai. So all the bodies are there. So I had heard of stories like these. You know, on your way to the summit, you come across these dead bodies. But stories, kahani sunna, jaise aap abhi is speech mein sun rahe ho, it is something else. But jabhi reality mein aap dekhte ho, ek mara hua insaan ko aise hi pada hua, tab jaan nikal jaati hai. You know, matlab, where do you come across just a dead body lying down, you know, in the middle of nowhere, unless you are in a war zone, okay. And wo dekh ke
मैं एकदम शॉक हो गया, थोड़ा सा अंदर से हिल गया एंड मैं उठा वहां से. जब मैं उस डेड बॉडी को देख रहा था, आई कुड सी माई सेल्फ इन दैट पर्सन. ओके, नॉट इन द सेंस दैट ओ आई एम गोइंग टू डाई, नो आई, ये सब नॉनसेंस नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल नहीं, बट इन द सेंस दैट whoever this person is, he also must be just as motivated as me, just as strong as me, also must have had a family back home who is waiting for him. Okay, and I thought maybe he made one little mistake and see what happened, and I promised myself, Parth, not even one mistake here. And keeping this in mind, I went ahead with full state of awareness. And I had a very powerful spiritual experience up there. Now, I don't know if I should go into this because आप बहुत छोटे हो ये सब बात समझने के लिए, but मैं share कर देता हूँ because अगर ये चीज आपके mind में आए कि ऐसा भी कुछ possible है, तो शायद you know curiosity आपके mind में आए. You know, जैसे हम सोचते हैं कि awareness सिर्फ mind के level पे होती है, you know. But nahi, awareness is there in each and every cell of your body, in each and every atom of your body. Okay, jaise abhi aap baithe ho, to abhi aapko consciously pata nahi hai ki aapke haath kahan rakhe hai aapne, aapke pair kaise hai, aapka spine straight hai ki aise slouch hoke baithe ho. Ye sab subconsciously ho raha hai, theek hai. Jaise main baat karta hu to haath hilta hai, ye sab subconsciously hota hai, theek hai. But after the promise that I made to myself ki awareness ke saath karna hai, I don't know what happened to me. Agar mujhe saans bhi lena hai, to wo pura consciousness ke saath ho raha hai. Agar ungli itni si bhi mujhe hilani hai, to wo mere consciousness ke saath ho rahi hai. Agar aankh blink karni hai mujhe, to wo consciously ho raha hai. And main next step rakhu, uske pehle I could sense on my feet how my next step would look like. It would feel like under my feet. आप समझ रहे हो? जैसे आप step लेने से पहले मुझे feel हो गया कि वो next step कैसा feel होगा. It was like I had my consciousness had become the part of that mountain. My awareness had expanded into the snow, into the atmosphere, into the mountain. And I had very important realizations and experiences in this phase. But anyways, I kept going on throughout the night. And this is a picture clicked at around 4 in the morning. It was a full moon night. So it was as bright as you can see here. Aap dekh rahe ho, aasman pura kala hai. Lekin moonlight itna strong tha. कि एक ऐसा था रात को, ठीक है, 4 बजे की अंधेरे में. ओके, एंड यहां से सामने टॉप दिखता है. नाउ यू माइट बी थिंकिंग ओह इट इज सो क्लोज, बट ये देख के मुझे भी यही लगा, अरे भाई साहब चलते चलते आ ही नहीं रहा है, 1 घंटा लग गया ऊपर पहुंचने में मुझे. इट लुक्स वेरी क्लोज अप देयर, बट स्लोली स्लोली दिस इज अ वेरी डियर पिक्चर टू मी. रॉक्स 50 फीट, इस पॉइंट पे अगर कोई मेरे पैर भी काट दे तो मैं रेंग रेंग के पहुंच जाऊंगा. नथिंग कैन नाउ स्टॉप मी फ्रॉम रीचिंग द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. एंड आई एम नॉट अ वेरी इमोशनली अनस्टेबल पर्सन. ओके, आई डोंट गेट सैड और हैप्पी और एंग्री कंपल्सिवली, यू नो, आई जस्ट, बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी. आई ब्रोक डाउन इन टू टीयर्स वहां पे. आई गॉट डाउन ऑन माई नीज एंड स्टार्टेड क्राइंग लाइक अ बेबी. बच्चा कैसा रोता है ना, आवाज कर करके चिल्ला चिल्ला के दिमाग खराब होता है ना उसको सुन के. तो ऐसा रो रहा था मैं. एंड माय शेरपा हु वाज अ लिटिल बिहाइंड मी, ही केम अप टू मी एंड ही थॉट समथिंग इज रॉन्ग विथ मी एंड ही आस्क्ड मी व्हाट्स रॉन्ग विथ यू. आई एम लाइक, नो, आई एम जस्ट हैप्पी, यू नो. ही वाज लाइक, ओह प्लीज समिट पे जाके रो यार, अभी बाकी है. एंड मैं उठा वहां से. And the tears that were coming out of my eyes were getting frozen on my cheeks. It was minus 45 degrees outside, okay? And the last 50 feet that I walked, I
could see 9 years of a journey in front of my eyes, and tears were not stopping. I have goosebumps right now, you know. ये स्पीच मैंने कम से कम 300-400 बार दिए, ठीक है, बट यार जब भी मैं ये इंसिडेंट को याद करता हूँ ना, लाइक इट्स जस्ट एज न्यू एंड फ्रेश फॉर मी, एंड इट वाज अ वेरी पावरफुल लास्ट 50 फीट फॉर मी. एंड 23rd May 2019 एट 5 इन द मॉर्निंग आई रीच्ड द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. एंड जब भी मैं टॉप पे पहुंचा, अभी ऊपर कोई भी नहीं था, आई हैड द होल टॉप ऑफ द वर्ल्ड टू माई सेल्फ. जैसे आप इस पे पिक्चर में देख रहे हो, आगे कोई नहीं है. एंड व्हेन आई रीच्ड द टॉप आई सॉ अ स्मॉल इतने साइज का बुद्धा स्टैच्यू, गौतम द बुद्धा. तो द फर्स्ट क्लाइंबर्स हु रीच अप देयर इन दैट सीजन दे प्लेस इट अप देयर बिकॉज इन द बुद्धिस्ट कल्चर ही इज द यू नो बुद्धा. सो आई गॉट डाउन ऑन माई नीज एंड बाउड डाउन टू दैट स्टैच्यू to Gautama the Buddha and thanked the mountain gods for opening your gates for me, for keeping me safe. And fortunately, 23rd May was Buddha Purnima. That was the day when Gautama the Buddha got enlightened. He attained to Mahapari Nirvana that day, and it was a full moon night. It was a very powerful, spiritually, a very powerful day to be up there. And I sat down next to the statue and I looked at the view, you know, view from the top. And when I looked on my right side, I saw the sun rising, okay. And I remembered that as a 15-year-old kid, I wanted to see the sunrise from the top of the world. A dream that I had seen from the highest peak of Maharashtra. छोटी सी पहाड़ी से मैंने ये सपना देखा था, एक 15 साल के बच्चे ने, समझ रहे हो आप, आपकी एज में, जो ना ही पढ़ाई में अच्छा था ना ही स्पोर्ट्स में अच्छा था. आई वॉज ऑलमोस्ट ओबीस. मतलब मैं वो पिक्चर ऐड करूंगा, आई विल शो यू लेटर ऑन. आई वॉज ऑलमोस्ट ओबीस, ओके. फ्रॉम देयर गोइंग एंड प्रिपेयरिंग माई सेल्फ अगेंस्ट ऑल ऑड्स इन अ वर्ल्ड वेयर माउंटेनियरिंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ स्पोर्ट, इट इज कंसिडर्ड एज मैडनेस. लोग मुझे कहते थे कि तू पागल है, पहाड़ चढ़ रहा है, क्या मिलेगा. अगेंस्ट ऑल ऑड्स आई सॉ अ ड्रीम. आई वर्क टूवर्ड्स इट विद रिलेंटलेस परसिस्टेंस. परसिस्टेंस की जो ताकत है ना, इट कैन बीट टैलेंट. समझ रहे हो आप, यू डोंट नीड टू बी टैलेंटेड, यू नीड टू बी परसिस्टेंट. यस, इट माइट टेक यू अ फ्यू मोर अमाउंट ऑफ टाइम एंड एफर्ट, ओके, एज कंपेयर टू अ टैलेंटेड पर्सन माइट, बट यू मेक इट हैपन. Be persistent in your life. मतलब इसकी ताकत को कभी underestimate नहीं करना. अभी बहुत छोटे हो आप, लेकिन ये अगर यहां से आपको कुछ ले जाना है तो persistence, ये एक word को रखो अपने mind में. And I was seeing that sunrise because of that persistence. And this is the power of a goddamn dream, okay? And that's me on the top. By the time I clicked this picture, a lot of people had come up. That's me with the Indian tricolor. And for the first time in my life, I felt that I have given something back to my country. Jis desh ki mitti, you know, ka khana khakar main bada hua hu. Jis desh, you know, this country ke culture se main bana hu. Us desh ko maine first time kuch diya hai. And dunya ko maine dikha diya ki ek 24 saal ke ladke, ek 24 saal ka Indian kya kar sakta hai, theek hai. And aap jo bhi dekh rahe ho, aap you know, just make this country proud in whatever way you can. And bada karo yaar, chota mota mat karo. And never give excuses ki yaar paisa nahi hai, support nahi hai. Nah, bade se bade log is duniya mein, kisi ke paas paisa nahi tha in the initial stage, kisi ke paas support nahi tha. But unme ek chiz common hai ki unhone kabhi excuse nahi diya, bahane nahi diye ki main ye nahi kar sakta, nahi kar sakti, kyunki mere paas ye nahi hai, support nahi hai, paisa nahi hai, ghar wale nahi mante. Nahi, ye sab लूजर मेंटालिटी है. मैं बहुत हार्शली बोल रहा हूँ, लेकिन ये अगर मेंटालिटी है तो जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे आप, ठीक है. सपने जो है आपके, उसके पाथ में ऑब्स्टेकल्स आएंगे. ऑब्स्टेकल्स को एज अ प्रॉब्लम मत देखो, बट विद अ माइंड सेट ऑफ सोल्यूशन देखो कि ये जो प्रॉब्लम है उसका मैं सोल्यूशन कैसे लाऊं और आगे कैसे बढ़ूं.
क्योंकि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता ही है, ठीक है? तो ये माइंडसेट रखना आपने लाइफ में, एंड ऐसा करो कि यार मतलब मजा आ जाए ना आपको खुद को यार, बाकी को छोड़ो. एंड दैट्स द व्यू फ्रॉम द टॉप. यू कैन सी द क्लाउड्स बिलो अस, ऑल द बिग बिग माउंटेन्स नाउ वेरी बिलो अंडर अस. दैट्स द शैडो ऑफ माउंट एवरेस्ट विच यू कैन सी अप देयर ऑन द अर्थ बिलो ऑन द होराइजन. It was absolutely beautiful, you know. And I spent around 15-20 minutes. Sir, हमारे पास 10 minutes और है. मैंने थोड़ा सा time ज़्यादा ले लिया. अगर 10 minutes और है. Sir, not an issue. You take your time. Okay, thank you so much. We are all very mesmerized. Okay, अब बच्चों, I hope आप लोग bore नहीं हो रहे हो. बस अभी कुछ कहानियाँ हैं, जिससे you know on the way down, little did I know my life would change completely. So I'll try to share those stories with you in a short span of time, okay? So 15-20 minutes humne summit pe spend kiya, and we got a message on our walkie-talkie that a huge storm, okay, a huge storm is now coming in the next three and a half hours, and that we need to go down real fast. So hum ja rahe the niche. This is a picture clicked while going down. You can see what a beautiful picture this is, what a beautiful route this is, and also very dangerous. You can see how sharp ridge kehte hai isko, knife edge, chaako ki dhar ki tarah patla hai na ye. And right side mein China hai, left side mein Nepal hai, theek hai? And jab maine ye picture click kiya na, mere sherpa ne mujhe rok ke bola ekdam matlab seriously, okay, so China side pe 11,000 feet ka drop hai, नेपाल साइड पे 8,000 फीट का ड्रॉप है, ठीक है? तो मेरे शेरपा ने मुझे कहा, पार्दाई, इफ यू वांट टू फॉल ऑन द चाइनीज साइड, यू विल लिव लॉन्गर. अरे तभी मुझे वो ये समझ भी नहीं आया, ऐसी क्या बात कर रहा है ये. शायद अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया, मुझे बहुत टाइम के बाद समझ में आया, 11,000 फीट गिरने में ज्यादा टाइम लगता है कंपेयर टू 8,000 फीट, सो यू विल लिव लॉन्गर on the 11,000 feet drop. उस altitude पे थकी हालत में कैसे उसको ये mind में आया, मतलब that's how the Sherpa people are, very lively, very jolly people, and absolutely in love with you know those people. This is a section called as second step. This is the whole of second step, a huge rock wall. ये जो picture आपने पहले देखा, ये stairs जो देखे हो ना, ladder, ये यहाँ पे है ऊपर वाला part, देख रहे हो आप? ओके, सो ये पिक्चर मैंने इसीलिए डाला यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ विच इन अ वे चेंज्ड माय पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ कंप्लीटली. माय शेरपा गॉट डाउन बिफोर मी, आई गॉट डाउन आफ्टर हिम, देयर वाज ओनली दिस वन गाय आफ्टर मी. व्हेन आई गॉट डाउन, आई वाज स्टैंडिंग वेयर दिस गाय और गर्ल इन द येलो सूट इज स्टैंडिंग. It is impossible to know if it's a guy or girl. So I was standing here, and I heard a sound of somebody screaming a little bit and banging the wall. Okay, and I saw this guy completely upside down. Upside down माने क्या? पैर ऊपर, सर नीचे पूरा. यहाँ पे इस ladder के बाजू में. He had entangled his legs in the old ropes and पूरा उल्टा हो गया था वो. गिर गया था वो. एंड व्हेन ही फेल, द ऑक्सीजन मास्क फ्रॉम हिज फेस वेंट डाउन, गिर गया. सो नाउ दैट मेंट ह्यूज ट्रबल. एंड नाउ व्हेन ही फेल, ही एंटैंगल्ड द रोप्स इन सच अ वे कि हमारा सेफ्टी इक्विपमेंट उस रोप में एंकर नहीं हो रहा था, हम ऊपर नहीं जा पा रहे थे. इस तरफ वॉल के पीछे के साइड बिल्कुल 11,000 फीट का ड्रॉप. सो अगर हम ऊपर चढ़ते चढ़ते अगर हम गिरे, आप देखो कैसा वॉल है ये ना, अगर हम ऐसे गिरे इस तरफ, बॉडी भी नहीं मिलेगी वापस कभी. तो वी कैन नॉट रिस्क आवर लाइफ फॉर एनीबॉडी एल्स. तो यहाँ खड़े खड़े नीचे हम उसको ऊपर चिल्ला रहे हैं कि यार ट्राई टू यू नो गेट योर सेल्फ अलाइन, अपने आप को ऊपर ला, वेर इज योर शेरपा, वेर इज योर टीम. बट ही पैनिक्ड अ लॉट, एंड देन विद इन द स्पैन ऑफ 3-4 मिनट्स ही स्टॉप मूविंग कंप्लीटली. एंड
My Sherpa somehow, you know, risked his life and went up there and thoda hilaya us bande ko and he didn't hit, the person was not responsive. Uska sunglasses nikala and uski jab aankhein dekhi to tab mere Sherpa ne mujhe kaha ki he's no more, he's dead. And mere pair wahan pe aise numb ho gaye. मेरा दिमाग ऐसा नम हो गया. आई डिड नॉट नो वॉट टू इवन थिंक, वॉट टू यू नो वॉट टू इवन फील. अ पर्सन हु आई न्यू, हु आई हैव शेयर्ड बेस कैंप विथ, हु आई हैव यू नो हुज फैमिली आई नो, ही इज जस्ट डेड. एंड आई वॉज द वन हु इन्फॉर्म्ड हिज फैमिली बैक होम. ओके, दैट फोन कॉल वॉज समथिंग एल्स. आई मीन आई विश नोबडी इन दिस लाइफ हैज टू एवर डू दैट. Break the most horrible news to their loved ones. And ये कहानियां मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि mountaineering is not just all inspiration and all beauty and all. It has a very dark and ugly side to it. And I don't want to hide these sides. Okay, जो reality है वो है. And these experiences are what has made me into the way I am today. एंड जैसे तैसे ये एक्सपीरियंस के बाद मैंने चलना स्टार्ट किया वापस. एंड सडनली समथिंग वेरी रॉन्ग विथ माई हेल्थ स्टार्टेड हैपनिंग विथ मी नाउ. माई एनर्जीज वर गोइंग डाउन सो फास्ट दैट देयर केम अ पॉइंट जब मैं बैठ गया एंड मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था अपने पैरों पर. कैन यू इमेजिन, आप बैठे हो और अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे हो. आप इमेजिन भी नहीं कर सकते दिस स्टेट ऑफ वीकनेस, समझ रहे हो. कभी आई एम श्योर, आई होप आई एम श्योर कि आप लोगों ने कभी लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस ना किया, ना ही आप करो कभी. बट ऐसी हालत मेरी हो गई थी वहां पे कि मैं अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा था. ओके, एंड मेरा शेरपा थोड़ा मेरे से पीछे था. एंड आई न्यू दिस वन थिंग दैट इफ आई एम नॉट एबल टू वॉक ऑन माई टू फीट, नोबडी इज गोइंग टू कम एंड रेस्क्यू मी. Especially when there's a huge storm coming in. Okay, so I knew that I'm going to die in the next half an hour, 45 minutes. The way my health is going down, I don't have more than 1 hour. And when you realize that you are going to die, all I could think was, मैं just pray कर रहा था. आप उसको कुछ भी कहो, भगवान कहो, आत्मा कहो, परमात्मा कहो, कुछ भी कहो. I was just saying कि आप, if you are listening to me, just give me 30 seconds with my loved ones, with my family. And जो चीज मैं उनको 24 साल में नहीं कह पाया, और यार मैं 30 सेकंड में कह सकता हूँ, समझ रहे हो. All my life I focused on Everest and chasing my goals and chasing my dreams, and this chasing took me away from the fundamental beauties of life, which was the loved ones, you know. Aur kya hai yaar, matlab aapne koi, you know, badi dhaad maar li, but if you don't have anybody to share it with, it's meaningless, I would say, in my experience. So main just upar wale se 30 second mang raha tha ki yaar mujhe 30 second de do, just mujhe ghar walon ko kehna hai ki how much I love them and how thankful I am to them. ये छोटी चीजें जो हम कभी कहते नहीं है. I know all you young kids feel the same way for your family, but आपने कभी कहा नहीं है उनसे, तो कह दो यार. मतलब 30 सेकंड भी नहीं लगता. उनका चेहरा देखना आप, और आपके मन में देखना क्या एक यू नो एक कुछ अलग ही खिल के आएगा, समझ रहे हो. ये बहुत ही सबसे पावरफुल चीज है जिंदगी में. बहुत सिंपल होती है. बड़ा धाड़ मारने से कुछ नहीं मिलेगा आपको अंदर, लेकिन छोटी चीजें निभाकर अरे बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन और एक्सटेसी को एक्सपीरियंस कर पाओगे आप, समझ रहे हो. एवरेस्ट क्लाइम करके जो मुझे खुशी नहीं मिली, वो खुशी मुझे घर पे आके मॉम डैड को आई लव यू बोल के मिली. थैंक यू, बस थैंक यू बोल के मिली, समझ रहे हो आप इस बात को. एंड बट एट दिस पॉइंट आई न्यू दैट आई एम नॉट गोइंग टू. बट My Sherpa came and he saw that I'm not, you know, something is wrong with me, and things happened. And as it turns out, it was a very silly thing which was happening.
my oxygen cylinder had run empty. Okay. I was breathing my own CO2, my own carbon dioxide in my oxygen. That's why I was feeling hypoxic and everything. So it was a very stupid mistake to make, but my Sherpa helped me change my oxygen cylinder. And then I was, in a while I felt good and I was on my way down. Then just before reaching Camp 3, this huge storm that was, you know, going to come, it came. And wo storm itni, matlab 70 to 80 kilometers per hour ki wind ki hawaye ki raftaar thi. And maine ek galti kar di, usme mera sunglasses ud gaya. And us altitude pe ultraviolet rays itne strong hote hai ki it can burn the first layer of your eye, which is called as cornea. जिसके वजह से आपको स्नो ब्लाइंडनेस होती है. तो आई न्यू मुझे स्नो ब्लाइंडनेस होने वाली है अभी. तो कॉन्शियसली एक आंख बचाने के लिए एक आंख मैंने ऐसे बंद करके एक आंख से देख के उतर रहा था. आप समझ रहे हो आप. तो आई वॉज लाइक एक के बाद चीजें ऐसी हो रही है. इज दिस डे एवर गोइंग टू एंड. आई एम लाइक बस मुझे अब घर जाना है. बहुत हो गया एवरेस्ट. मतलब अभी गए 3-4 घंटे में ऐसी ऐसी चीजें हुई है और हो जा रही है मेरे साथ. बट जैसे तैसे मैं कैंप 3 पहुंचा, जहां से हमने समिट को स्टार्ट किया था. व्हेन आई रीच्ड कैंप 3, आई रियलाइज्ड दैट आई हैव लॉस्ट 100% विजन इन माय लेफ्ट आई. आई वाज 100% ब्लाइंड इन माय लेफ्ट आई. ओके. एंड इट वाज हर्टिंग लाइक हेल. राइट आई वाज 20% ब्लाइंड. एंड माय शेरपा टोल्ड मी, पार्थ, we cannot sleep in this camp because we are still in the death zone. Remember I told you 36 hours mein hame niche pahunch jana hai. So we had to go to camp. To imagine with a blind eye, dehydrated, exhausted, having seen a person die, having almost died myself, I reached camp 2. Matlab jaise taise energy ikatta karke camp 2 pahuncha main. And raat ke 9 baj gaye the. So previous day 8 baje start kiya tha. एंड नेक्स्ट डे 9 बजे, मतलब 25 घंटा नॉन स्टॉप प्रैक्टिकली हम चल रहे थे. वेरी एग्जॉस्टिंग डे. रात को वहाँ पे पहुँच के कैंप 2 पे आई कॉल्ड होम. आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली. आई वॉज सो एग्जॉस्टेड. सो माई मॉम गॉट अ लिटिल स्कैर्ड, यू नो, मॉम बींग मॉम्स, यू नो, दे गेट वेरी, उनका दिमाग से ज़्यादा इमोशंस ज़्यादा होता है बच्चों को लेकर ना. तो थोड़ा मेरी आवाज़ लड़खड़ाई सुनी उन्होंने तो थोड़ा डर गए. मैंने बोला पापा को फोन दो यार, आप अभी मेरा दिमाग मत खराब करो. पापा को फोन दिया मैंने. मैंने बोला मैं बस पहुंच गया हूँ कैंप 2 पे, मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता अभी, मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही है. आई विल कॉल यू आफ्टर आई रीच द बेस कैंप. ओके. एंड घर वाले का अलग सेलिब्रेशन वहां पर स्टार्ट हो गए थे. आज सबमिट कर लिया उन्होंने बच्चे ने. तो in a day or two I reached the base camp. This is a picture of me on the base camp of Mount Everest. Aap skin ko dekh sakte ho kaise burn ho gaya pura, ekdam khatam halat thi. That's our team with the summit certificate issued by the China government that ha bhai officially in bandon ne, you know, Everest climb kiya hai. People ask me this one question: what was the best moment of the whole expedition? And they expect my answer to be reaching the summit of Everest. You know, ki summit mera best part hoga. Nah, that was not the best part. This was the best part. At 28,000 feet, when I was dying, even summiting Mount Everest meant nothing to me. In the face of death, only what is really important, only who is really important, that remains. बाकी सारा आपको जो लगता है इंपॉर्टेंट है सारा फिल्टर आउट हो जाता है इन द फेस ऑफ डेथ. एंड व्हाइल आई वाज एग्जिटिंग द मुंबई एयरपोर्ट गेट आई सॉ दोज 3-4 फेसेस व्हिच आई वांटेड टू सी बिफोर डाइंग. एंड आई जस्ट रियलाइज्ड कि मैंने तो भगवान ऊपर वाले यूनिवर्स जो भी कहना है उसको मैंने तो बस 30 सेकेंड मांगा था आपसे. आप थोड़ा ज्यादा दया कर दिया आपने मुझ पर. एक 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 रीबर्थ जैसा मैं इसको मानता हूँ, एक बोनस लाइफ जैसा मानता हूँ जो मैं अभी जी रहा हूँ. एंड किसी भी चीज का बोनस आप वेस्ट नहीं करते, राइट, लेट अलोन बोनस लाइफ. तो जब मैं मेरे ट्रॉली के साथ उनकी तरफ वॉक कर रहा था, मैंने अपने आप को एक प्रॉमिस किया
जो भी नेगेटिविटी का कचरा हम लेके चलते हैं हमारे कंधे पे, यू नो, हेट्रेड का, जेलसी का, इसने मुझसे ऐसे बात की, इसने ये किया तो मैं इस पे गुस्सा हूँ, अबे सब मरने वाले हो आप लोग, पता है आपको। आई विश अ वेरी लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल ऑफ यू, बट स्टिल वी आर गोइंग टू डाई एंड दैट डे विल कम वेरी सून एंड इट्स अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, ओके, दो यू आर वेरी यंग एंड यू फील यू हैव अ होल लाइफ अहेड, यस यू डू, बट टाइम फ्लाइज सो फास्ट। सो जो टाइम है, डोंट लेट ऑल द नेगेटिव नॉनसेंस ऑक्यूपाई दैट टाइम, बिकॉज इट will only slow you down, it will only destroy the experience of your life, okay? तो मैंने उस दिन promise किया कि जो भी negativity का baggage है वो इसी airport में छोड़ रहा हूँ, and now the only and only Everest of my life is to live my life in the best way possible within myself, बस simple है ना, ये goal मेरे life का उस दिन मैंने बनाया, and I met my family and they were more than happy, they were relieved कि यार हो गया इसका ना, मतलब बट यू नो अब पहाड़ों से मतलब अब नहीं जाएगा वापस, बट उनको नहीं पता था कि मेरे माइंड में ऑलरेडी गोल्स बहुत नेक्स्ट सेट कर लिए थे मैंने एंड ये मेरे कुछ फ्रेंड्स एंड फैमिली आए थे मुझे एयरपोर्ट पे लेने। सो नाउ बिफोर यू गाइस आस्क मी नेक्स्ट क्या है, मैं ऑलरेडी आपको बोल देता हूँ नेक्स्ट क्या है। दिस इज माई नेक्स्ट टारगेट विच विल हैपन इन मार्च 2022। दिस इज अ पीक कॉल्ड अन्नपूर्णा वन, इट्स इन नेपाल, दुनिया का 10वां सबसे हाईएस्ट पहाड़ है ये, 10th हाईएस्ट माउंटेन, एंड इट आल्सो हैपेंस टू बी द मोस्ट डेंजरस माउंटेन इन द वर्ल्ड टू क्लाइम, ओके, आई विल गिव यू अ पर्सपेक्टिव, एवरेस्ट हैज बीन क्लाइम्ड बाय 5000 पीपल इन द वर्ल्ड सो फार, अन्नपूर्णा लेस देन 250 पीपल एंड ओनली अ हैंडफुल ऑफ इंडियंस हैव क्लाइम्ड इट, वन आउट ऑफ थ्री पीपल हु अटेम्प्ट अन्नपूर्णा नेवर मेक इट बैक, मतलब 34% डेथ रेट, तीन में से एक आदमी मरता है वहां पे, ठीक है। सो जस्ट 6 महीने पहले आई वॉज ऑन अन्नपूर्णा, मैंने अटेम्प्ट किया था अन्नपूर्णा, दैट्स मी ऑन अन्नपूर्णा, आई रीच्ड 800 मीटर्स क्लोज टू द समिट एंड आई हैड टू टर्न अराउंड बिकॉज आई कॉट अ वेरी बैड स्टमक इन्फेक्शन एंड आई चोज सेफ्टी ओवर सक्सेस बिकॉज आई यू नो एज आई टोल्ड यू समिट इज नॉट सक्सेस, सेफ्टी इज सक्सेस, ओके, एंड पहाड़ तो वहीं पर रहने वाला है, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक वहाँ पे था, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक वहीं पे रहेगा, तो मैंने सेफ्टी चूज करके आई केम बैक डाउन वेरी क्लोज टू द समिट, 2 years आई इन्वेस्टेड इन दिस ड्रीम एंड आई एम अगेन गोइंग टू अटेम्प्ट दिस माउंटेन इन मार्च 2022। तैयारी शुरू हो गई है इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग, इन टर्म्स ऑफ रेजिंग द मनी, इट कॉस्ट्स अ लॉट एंड अनफॉर्चुनेटली इवन आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट या थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है, बट you know the big support that is needed I have not received it yet, but I know main matlab jahan pe aankh dalta hu wo ho hi jata hai, main hota nahi hai, main kar deta hu, that's a better word to use, so I hope you guys liked it, this was my journey to the top of the world and back, and aap mujhe Instagram pe meri journey follow kar sakte ho, I post my I'm sorry I post my daily updates, my training updates on my Instagram, I also make regular videos on YouTube, and अभी जो अन्नपूर्णा का मेरा attempt था उसके ऊपर एक documentary release की है मैंने, which is called My Successful Failure, which you can find it on YouTube. I think you guys should watch it, you will like it. And thank you so much. अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो मुझे Instagram पे लिखिए. I would like to hear from you personally, and if you guys have any questions, thank you so much for listening to me with so much patience. Thank you. Thank you so much, Path sir. I literally don't have words. And मैंने तो आपकी journey काफी time से follow की हुई है, and yet every time I hear that story, I just get goosebumps. And I hope बच्चों आपको भी सर का session बहुत अच्छा लगा होगा. Path sir, हमारे पास ना कुछ बच्चों ने actually बहुत सारे बच्चों ने questions भेजे थे. We may not be able to take all the questions, but you know we can definitely take a few of them. तो इसमें ऐसा करते हैं ना, जो ऑलरेडी ये 1-1.5 घंटे में मैंने आंसर नहीं किया, वैसे अगर कोई क्वेश्चंस है तो आई वुड लाइक टू आंसर. ओके, वेट अ मिनट, देयर इज अ क्वेश्चन. नियति, या आफ्रिन मैम, यू कैन रेगुलेट द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन इफ यू वांट. श्योर समित सर, प्लीज अनम्यूट नियति. नियति, आर यू देयर?
Yes, ma'am, I'm there. Yeah, please go ahead, ask your question. Good evening, sir. Good evening. Today, hearing your story was so good. Like, I'm very overwhelmed and very inspired by your story. Like, I had a question that now as we grow up, we have the second thought that we realize that money is one of the important aspects. So, growing up or now I also watched your videos and I realized that raising funds is one of the major tasks you face during your expeditions. But besides this, how do professional mountaineers manage to earn for a living? Well, that's a very good question. So, in other words, पहाड़ वहाड़ चढ़ना तो ठीक है भाई, तुम काम के लिए क्या करते हो? That's a very good question. And people don't know how a professional mountaineer earns, because I think I'm only the second or third professional mountaineer from our country. When I say professional, I mean who is full time into this. बाकी जो भी climbers है उनका कोई job है, कोई business है जो वो कर रहे हैं already. And they are doing this just for the passion. But I'm completely into this. So there are a few things I'm doing. The first thing I do is I lead treks in the Sahyadri mountain ranges in Maharashtra on weekends, expeditions in the Himalayas, and I organize such adventure activities. I have my own company called as Dark Green Adventures, which I'm running as a proper business. So this is one thing that I do. The second thing that I do is what I'm doing right now, I go and speak, and यहाँ से थोड़ा बहुत पैसा मिलता है मुझे. The third thing is there are a few small brands who sponsor me now to endorse themselves, to market their product, and in return they pay me. So these three things I'm doing right now, and चौथा मैं अभी शुरू करने वाला हूँ. I'm working on building that business also, which is to prepare and mentor people who want to climb mountains. मतलब अगर जीरो पे हो आप और अगर आपको कोई पहाड़ चढ़ना है, कोई गोल है, तो I can help you out. So that also business I'm going to start. So basically, options तो बहुत सारे हैं. The thing is, this field of adventure is a very new happening in India. गए 4-5 साल से शुरू हुआ है इसका क्रेज, तो पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस. दिस इज द गोल्डन एज फॉर एडवेंचर स्पोर्ट्स इन इंडिया. एंड जब भी कोई चीज स्टार्टिंग में होती है, अगर आपने अपना मार्क बना लिया, तो यू कैन बी द मार्केट लीडर्स. लाइक आई मतलब मैं मुझे मेरे मुंह से ये कहना अच्छा नहीं लगता, बट रियलिटी है. तो मैं कहता हूं कि माउंटेनियरिंग में इंडिया में जो मैं कर रहा हूँ, जिस लेवल पे मैं कर रहा हूँ, हार्डली कोई है, क्योंकि आई एम कम्प्लीटली आउट देयर एंड आई हैव एन ओपन माइंड टू एक्सप्लोर ऑल पॉसिबिलिटीज. ओके, एंड यू हैव टू बी वेरी एंटरप्राइजिंग. कुछ आपको रेडीमेड नहीं मिलता, एस्पेशली इन अ फील्ड विच इज नॉट येट एस्टैब्लिश्ड. सो वॉट आई एम ट्राइंग टू डू इज एस्टैब्लिश दिस फील्ड, ताकि जो आप लोग में से अगर किसी को इच्छा हो इस फील्ड को फुल टाइम लेने के लिए, तो एक रास्ता मेरे जैसे लोगों ने ऑलरेडी आप लोगों के लिए बनाया होगा. तो ये मैं कोशिश कर रहा हूँ. सो बाकी ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं यार इसमें, अगर दिमाग खुला हो तो पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस. एंड यस, पैसा बहुत जरूरी है. जब ओनली एंड ओनली व्हेन योर स्टमक इज फुल, तभी ये गोल्स और पैशन की बात होती है. जब पेट में रोटी नहीं गई होती है ना, तो रोटी कहाँ से आएगी, यही होता है आपके माइंड में. तो कभी ये मत सोचना कि भाई सब कुछ छोड़ के मैं तो सड़क पे रहूंगा लेकिन मैं मेरा ड्रीम फॉलो करूंगा. नहीं, ये बेवकूफी है. ठीक है, यू हैव टू पैरेलली फिगर आउट हाउ यू कैन एटलीस्ट फेंड फॉर योरसेल्फ, एंड इफ योर फैमिली सिचुएशन रिक्वायर्स, फेंड फॉर योर फैमिली, एंड देन पैरेलली प्लान इट आउट. ओके, सपना फॉलो करना ये सिर्फ ऐसे पागल सांड की तरफ भागना जैसा नहीं है. ठीक है, कि आप बस आग बंद करके भागे, नहीं, यू हैव टू प्लान इट आउट रियली वेल. ठीक है, तो yeah. Okay, sir. The next question is from Ria Ranalkar. It's a very interesting question. Ria, are you there? Yeah. Yes, ma'am. Yeah. Good evening, sir. Good evening. So it was just like too much of inspiration, motivation, and everything together. And whatever you said, I'm following you from a long time. Yeah. So I basically knew few of the things from you.
So my question here is ki, how did you convince your parents to choose mountaineering? Like after being an engineer, you're choosing mountaineering. Matlab, maa baap ka paisa pehle engineering mein daalo, and then you're trying to convince them for mountaineering. So it's not that easy. So how did you do that? मैं ना ये मैं ये प्रे करता हूँ कि मेरे जैसे मेरा जैसा बेटा किसी माँ बाप को ना मिले, बट मैं ये भी प्रे करता हूँ कि मेरे जैसे माँ बाप हर बेटे को मिले, हर बेटी को मिले. इन द सेंस बचपन से यू नो सपने बहुत देखे थे मैंने. मुझे याद है जब मैं स्कूल में था, आई वॉन्टेड टू बी एन एस्ट्रोनॉट. बट जैसे 8th स्टैंडर्ड में वी आर इंट्रोड्यूस टू एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, तब मेरी औकात मुझे पता चल गई कि पढ़ाई लिखाई में तो हमसे कुछ होने वाला है नहीं. देन 10वीं में आई वांटेड टू बी अ पॉप स्टार. यू नो आई वाज इनटू म्यूजिक, आई वाज इनटू प्रोफेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स फॉर 8-10 ईयर्स. वो एक अलग लाइफ का फेज था मेरा. आई वॉन्टेड टू बी अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, बट उसमें भी मैं कुछ कर नहीं पाया. इंजीनियरिंग किया, उसमें भी कुछ कर नहीं पाया. तो पेरेंट्स ने देखा कि इसके सपने बहुत होते हैं बट ये कुछ कर नहीं पाता है. तो जब टाइम आया एवरेस्ट का सपना, तो तब मैंने उनको बताया नहीं कि मुझे एवरेस्ट क्लाइम करना है. यस, मैंने उनको ये आइडिया बताया कि मुझे एवरेस्ट क्लाइम करना है 2019 में. उनका यही था लाइक यू नो ठीक है देखेंगे. उन्होंने मुझे सीरियसली नहीं लिया एंड आई डोंट एक्सपेक्ट देम टू टेक मी सीरियसली कंसिडरिंग माई पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड. ओके, so I knew now no words, more actions, because up till now it was more words and less actions. So I kept my mouth shut, मुंडी नीचे रख के lifestyle change की. रोज सुबह जल्दी उठना start किया, दोस्तों से मिलना छोड़ दिया, बाहर का खाना छोड़ दिया. And मैं बड़ा हुआ था वड़ा पाव पानी पूरी खा के. ठीक है, मतलब I still enjoy that, but for me at that point leaving that was like a big thing. I started doing everything which would take me to Everest. Anything which was not related to Everest, I used to not do it at all. Okay. Every day they saw me putting in the work. 6 months later, हम लोग खाना खाने बैठे थे सब लोग, and my father asked me, "Are you really serious about this?" मैंने उनको पूछा, "Papa, what do you think? From my actions, do you think I'm serious about this?" I said yes. So ye tarika hai apne maa baap ko convince karne ka. Bol ke nahi, gussa karke nahi, rebel karke nahi. Na, you do the work. And agar aap kisi cheez pe dedicated focus ke saath concentrate karke kaam kar rahe ho, to aapke maa baap se khush aur koi nahi hoga. And then they will become the part of your journey. एंड मैं कहता हूं कि अगर मेरे माँ बाप का सपोर्ट नहीं होता तो 2019 में मैं एवरेस्ट क्लाइम नहीं कर पाता. बिकॉज इन वेज यू कैन नॉट इमेजिन देव बीन अ पार्ट ऑफ माई जर्नी एंड दिस वॉज बिकॉज आई प्रूव्ड इट टू देम बाय एक्शन. ठीक है, तो अगर आपका कोई सपना है तो ठीक है, सपना उनको बताओ, लेकिन देन दे विल आस्क यू क्वेश्चंस कि ये हो गया तो क्या, ये हो गया तो क्या, इसका बैकअप क्या, इसका बैकअप क्या है. तो ये सब के आंसर्स आपके पास होने चाहिए. ठीक है, बिफोर यू टॉक टू योर पेरेंट्स. बिकॉज ऐसा है कि अगर आप अगर आपको एयरप्लेन में से छलांग मारनी है और अगर आपके माँ बाप आपको पूछे कि भाई पैराशूट कहाँ पे है, तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप मेरे सपने को समझते नहीं हो, नहीं मैं तो छलांग मारने वाला हूँ. आप कुछ समझते नहीं हो ना, माँ बाप समझते हैं. उन्होंने आपसे कम से कम 2-3 times मोर लाइफ देखी है, तो उनको बेवकूफ मत समझो. ठीक है, अगर वो आपके सपने के साथ अग्री नहीं कर रहे तो उनको पूछो क्यों. जानो उनसे कि उनको आपने आपके सपने में क्या माइनस पॉइंट्स दिख रहे हैं. जो माइनस पॉइंट्स है उस पर काम करो. ठीक है, एंड इस आंसर को मैं एक आखिरी चीज कह के एंड करता हूं. आपके माँ बाप से ज्यादा आपके लिए आपका भला इस दुनिया में कोई नहीं चाहेगा. ठीक है, और ये चीज को आप हमेशा याद रखो. चाहे आपके दोस्त हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो, चाहे बॉयफ्रेंड हो, सब आपके साथ है एक मतलब के लिए. उनको आपसे कुछ मिल रहा है, आपको उनसे कुछ मिल रहा है एट व्हाटएवर लेवल, इसीलिए
कोई भी रिलेशनशिप होती है, बट माँ बाप के साथ ये एक ऐसा रिश्ता है ना कि दे डोंट वॉन्ट एनीथिंग फ्रॉम यू एक्सेप्ट योर वेल बींग. तो अगर वो आपके साथ अग्री नहीं कर रहे हैं तो सिट देम डाउन एंड देखो क्यों अग्री नहीं कर रहे हैं, एंड देन वर्क ऑन इट. एंड अगर आप अपने माँ बाप को कन्विंस कर गए तो फिर वो ड्रीम, वो प्लान आपका फुल प्रूफ है. Sir, our physics professor Shashank sir is here and he's into hiking and trekking. He wants to ask you a question. Yes, sir. Shashank sir. Hello, Parth. Hello, sir. It was really great to hear your experience. I have been myself into trekking, and that peaks you told me in the beginning, Stokangri and Kangas too. Even I have done it. Yeah. Oh, really? Yes, sir. और मैंने वो अली सर के साथ ही की है जिसके साथ आप अन्नपूर्णा कर चुके हैं अभी रिसेंटली. ओह ओके ओके, सो आई वुड लाइक टू मीट यू समडे एंड गो फॉर ट्रैक टुगेदर. अभी मेरा नेक्स्ट टारगेट में प्लान कर रहा हूं कि नून या कून करूं, तो व्हाट डू यू थिंक इसके बाद, मतलब आई हैव डन 6000er नाउ, सो आई एम प्लानिंग फॉर 7000er. परफेक्ट, अली इज द गाय टू गो विद, एंड प्रिपेयर योरसेल्फ वेल फिजिकली एटलीस्ट 16 वीक्स प्रायर टू द एक्सपेडिशन, एंड बाकी अली भाई जो कहे ही इज द गाय. He is the person who, because of whom I will able to submit so Kangri. Kangri se to thoda last weather ke wajah se nahi kar paya tha sir thoda sa. But so Kangri summit I completely owe to him. Kya baat hai, very nice, very nice. So aap recently agar kahin pe Mumbai mein ya fir Sahyadri mein agar aap trek karte ho, to if I can follow you or if I can join you at some point of time. Yes, of course. So mahine mein ek ya do weekend pe mere treks hote hain. तो अभी जो अपकमिंग वीकेंड है 15 तारीख को, अक्टूबर को, आई एम लीडिंग अ स्मॉल ग्रुप फ्रॉम रतनगढ़ टू हरिश्चंद्रगढ़ फोर्ट. आई हैव डन दैट रेंज ट्रेक सर, दैट्स अ वेरी गुड ट्रेक. या एब्सोल्युटली, सो इफ यू आर फ्री आई वुड लाइक, या सर डेफिनेटली आई वुड लाइक टू जॉइन यू. एंड बच्चों अगर आप लोगों को भी आना है तो जस्ट राइट टू मी ऑन इंस्टाग्राम एंड जस्ट कम इन द आउटडोर्स, एंड इफ सर कैन ऑर्गेनाइज समथिंग फ्रॉम द स्कूल, बिकॉज़ बच्चों के लिए आउटडोर्स में एक्सपोजर होना आई थिंक इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज एक बार आप बाहर जाओ तो यू नो योर पर्सनैलिटी विल डेवलप इन अ होलसम वे. सो आई होप आई कैन सी ऑल ऑफ यू इन पर्सन ऑन सम टाइम. एक क्वेश्चन था, अन्नपूर्णा यू आर डूइंग विदाउट सप्लीमेंटरी ऑक्सीजन आई थिंक, अर्जुन एंड यू? या सो आई डोंट नो अबाउट अर्जुन, उसका क्या प्लान है, बट मी येस. वेन आई वेंट 6 months ago, I attempted to climb Annapurna 1 without supplementary oxygen. It is the most difficult thing you can do in the field of mountaineering. Yes, sir. So why? Because there has been no Indian who has successfully climbed Annapurna or any 8,000 meter peak without supplementary oxygen. So I want to push that boundary, that what Indian mountaineers are capable of. And I know with the kind of training I have done. देखो 800 मीटर तक मैंने विदाउट O2 पहुंच गया था. वो 800 मीटर मुझे 100% गारंटी था कि अगर स्टमक इन्फेक्शन नहीं होता मैं वो कर लेता. सर मुझे वही आपके साथ ट्रेक करके आई नीड टू लर्न दोस थिंग्स फ्रॉम यू कि कैसे प्रिपेयर करें. आई एम एट एज ऑफ 42 नाउ सर, उतना शायद फिजिकली पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं, बट आई रियली वांट टू डू इट सर. Shashank sir, we will send you all the details through which you can connect to Parth sir. And there are many questions, kids, but we'll go with the last question now. Okay. So, Jairaj, are you there? Jairaj? Yes, ma'am. Yeah, Jairaj, please go ahead and ask your question. So, it was, very exciting having you here. I loved your speech. My question was, how do you practice focus to develop self-motivation? Well, you use a lot of heavy words, man. Focus, self-motivation. क्या क्या मतलब, मैं डरा दिया मुझे यार, आपने क्या जवाब दिया इसका? नहीं यार, देखो अगर आपने मेरी, नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ यार, अगर आपने मेरा पूरा स्पीच सुना तो आपको इसका जवाब इन अ वे मिल ही चुका होना चाहिए. देखो, यू कैन नॉट 100% फोकस ऑन समथिंग दैट यू डोंट एंजॉय. पढ़ाई करने में क्यों मन नहीं लगता आप लोगों का, क्यों फोन में घुस जाते हो हर 5 मिनट में, क्यों यहाँ वहां दिमाग जाता है, क्योंकि आपका दिल पूरा वहां पे नहीं है. ठीक है, तो अभी आप अगर कोई गेम खेल रहे हो बाहर या अंदर विच यू ट्रूली एंजॉय, आपको वहां पे फोकस करना किसी को सिखाना पड़ता है क्या? कोई आपको बोलता फोकस कर, फोकस कर, पबजी खेल रहे हो फोकस करने को बोलना पड़ता है आपको किसी को?
बिकॉज यू एंजॉय डूइंग इट. सो ये हो गया एक सिंपलिस्टिक वे कि टू डू समथिंग दैट यू रियली केयर फॉर. बट वॉट इफ यू हैव टू डू समथिंग दैट यू डोंट केयर फॉर, हाउ टू स्टिल डेवलप फोकस. बिकॉज जैसे माउंटेनियरिंग की मैं बात करूं अगर, तो मैं पूरे साल में 2 या 3 महीने ही पहाड़ चढ़ रहा होता हूँ, बट बाकी के 9 से 10 महीने शहर में रहता हूँ और पहाड़ चढ़ने के लिए जो रिसोर्सेज लगते हैं उसको इकट्ठा करता हूँ. विच इज समथिंग आई डोंट लाइक, आई डोंट एंजॉय, बट स्टिल आई कैन, आई एम एबल टू पुट फोकस इन टू इट. वो कैसे हो पाता है? देखो यू नो, इफ यू कैन लर्न दिस वन थिंग कि नो मैटर वॉट एवर यू आर डूइंग, यू लर्न टू डू इट विद 100% फोकस, तो आप यू नो, आई एम, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आर्टिकुलेट, बट आई नो दैट जो मैं नहीं पसंद है वो कर रहा हूं, अगर मैं उसको अच्छे से करूं, इवेंचुअली इट विल लीड मी टू समथिंग दैट आई लाइक. ओके, एंड इसके अलावा मेरे माइंड में तो कोई तरीका नहीं है कि आप कैसे फोकस रह सको, बट इफ यू फाइंड अ वे लेट मी नो. बात सर, आई कैन नॉट टेल यू कि हमें कितना अच्छा लगा आपके एक्सपेक्टेशन के बारे में सुन के. एंड आई नो दैट यू विल सक्सीड इन अन्नपूर्णा मिशन. यू नो व्हाई? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन इट हैपन. सो लेट मी शो यू समथिंग जो आफरीन मैम, आरिफा मैम, शशांक सर, दिलीप सर, मेरी तरफ से, एनी मैम की तरफ से, हम सब ए टीमर्स की तरफ से, हमने ऑलरेडी ये विजुअलाइज कर लिया है कि आप ओहो अन्नपूर्णा पे हैं. ओहो थैंक यू. एंड आई वुड लव इट सर, प्लीज सेंड इट टू मी यार, आई वुड लव टू have it with me. I will get it framed in my room. I'm not even kidding. I'll show you where well, it's so in. We have already done half the work for you. Oh ho ho. We have already done half the work for you. And while making this painting, when Arifa ma'am was making this painting, she actually went to Google Maps to see what the view from the top looks like, and she incorporated that into her painting. So we already know that you're going to get there. I don't know what to say. Thank you. Thank you so much, ma'am, for making this beautiful work of art. I'm really touched. Agar main zyada bolunga to mere aankhon mein se aansu nikal jayenge, because jo maine abhi 5 second ke liye wo moment dekha mujhe upar, wo experience karne ke liye main tadap raha hu, and aapne mujhe wo visualize karaya. I'm very touched, very touched, and I'm eternally thankful for you for making it for me. Thank you. Very thoughtful. Thank you. And so, I'll make it. Thank you. Definitely. So, bachcho, I hope you all enjoyed the session. Hai na? Jaldi se chat mein Path sir ko, what are you supposed to say? Come on, come on, come on. Put it in the chat. What do you want to tell Path sir? Put it in the chat. You can message him directly. You know that, right? Put it in the chat. So, thank you so much, all of you, for joining in. Thank you so much, Path sir, for coming here, for sharing your story with us. And I hope we will meet again soon. And after the success of your Annapurna mission, when we plan the next 8,000er, right? So, I hope that is when we will get your perspective on that. Thank you, sir. All the best, sir, for Annapurna. We are just rooting for you right here. We are there for you. बस ये जो आपके आशीर्वाद और होप्स है, बस यही मुझे ताकत देता है आज भी 3:30 बजे उठ के तैयारी करने का. बस I won't let you guys down, and मैं 100% अभी तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन अभी 101% करूंगा. आप लोगों के मुंबई के लिए इंस्पिरेशन है. वी आर जस्ट रूटिंग फॉर यू. वी विल डेफिनेटली प्रे फॉर यू एज वेल, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट सर फ्रॉम एंटायर टीम एजुकेशन. चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, या थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू.